देख रहे हैं अंबर टाइम। नामली स्थित सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल में बॉयज टॉयलेट में सीसीटीवी कैमरा लगाए जाने की 198 पर हुई शिकायत के बाद मामले में नामली थाना पुलिस ने स्कूल प्रबंधन के विरुद्ध आईटी एवं पॉक्सो एक्ट में प्रकरण दर्ज कर लिया है। खबर के मुताबिक अगस्त 2022 में स्कूल प्रबंधन द्वारा बॉयज टॉयलेट में सीसीटीवी कैमरा लगाए गए थे। इसके बाद बच्चों और परिजनों ने इसकी शिकायत चाइल्ड हेल्पलाइन पर की थी। मामले के तुल पकड़ने पर राष्ट्रीय बाल आयोग के हस्तक्षेप के बाद इस मामले में एफआईआर के निर्देश जारी किए गए थे। शिकायत नामली स्थित सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल परिसर में जांच करने पहुंचे चाइल्ड लाइन के सदस्यों ने मौके पर पाया था कि स्कूल के टॉयलेट में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिस पर स्कूल प्रबंधन ने बच्चों द्वारा टॉयलेट गंदे चित्र बनाने और तोड़फोड़ किए जाने की दलील पेश की थी। चालान के सदस्यों के बयान के आधार पर नामली थाना पुलिस ने स्कूल प्रबंधन के विरुद्ध धारा 66E आईटी एक्ट एवं पॉक्सो एक्ट में प्रकरण दर्ज कर लिया है। अगस्त 2022 में नामली के सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल प्रबंधन द्वारा बच्चों के टॉयलेट में सीसीटीवी कैमरा लगाने का गंभीर मामला सामने आया था। पीड़ित छात्रों द्वारा शिकायत के बाद चाइल्ड लाइन और बाल आयोग की टीम ने निरीक्षण में बॉयज टॉयलेट में सीसीटीवी कैमरा लगा होना पाया था, जिसके बाद स्कूल प्रबंधन को नोटिस जारी किया गया था। स्कूल की प्रिंसिपल सिस्टर निधि ने बाल संरक्षण आयोग की टीम को बताया कि बच्चे स्कूल के टॉयलेट की दीवारों और टेबल पर गंदे कमेंट्स और चित्र बना देते थे, इसके कारण उन्होंने बॉयज टॉयलेट में कैमरे लगवाए थे। हालांकि मीडिया में खबरें आने और बाल आयोग की फटकार के बाद स्कूल प्रबंधन ने सीसीटीवी कैमरा हटा लिए थे। जांच करने पहुंची मध्य प्रदेश बाल संरक्षण आयोग की टीम ने स्कूल प्रबंधन को इस गंभीर मामले में क्लीन चिट दे दी थी, लेकिन उसके बाद राष्ट्रीय बाल आयोग ने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए रतलाम पुलिस अधीक्षक को एफआईआर दर्ज करने संबंधित पत्र लिखा था। मामले की जानकारी देते हुए एएसपी सुनील पाटीदार ने बताया, एफआईआर क्या मामला था, कब का था और किन के खिलाफ ये एफआईआर हुई है? उसमें थाना नामली क्षेत्र का प्रकरण है। ये थाना नामली क्षेत्र में एक शिकायत थी कि एक स्कूल है सेंट जोसेफ, जिसने अपने बच्चों के जो वॉशरूम था उसमें कैमरे लगा रखे हैं, जिस बात को लेकर कई दिनों से उसमें जाँच चल रही थी। उस दौरान ये तथ्य सामने आया था कि उसमें कैमरे लगाए गए हैं और उनके फिर चाइल्ड हेल्पलाइन और सभी के स्टेटमेंट के आधार पर एक एफआईआर की है 66E और पॉक्सो एक्ट के संबंधित धाराओं में। उसमें अभी मैनेजमेंट के खिलाफ किया गया, उसके बाद जो भी उसमें लगाना या जिनकी भी भूमिका आएगी या जो इस अपराध में होंगे उनके खिलाफ पदानी कार्रवाई करेगी। सर, मामला अगस्त 2022 का है और एफआईआर अब हो रही है, इतनी देरी की वजह क्या रही है? आपका जो मानना है कि विलंब का कारण क्या रहा, तो उसमें कई सारे तथ्य होते हैं जिनको समाहित करके फिर करना होता है, और जैसा आपको मैंने बताया कि चूँकि बच्चों से संबंधित है तो उसमें सारे तथ्य कलेक्ट करने के बाद में और इसमें माननीय आयोग की भी जांच हमारे पास में थी, तो उन सब सारी चीज़ों को समाहित करने के बाद में फिर हमने कार्रवाई की है। कृषि उपज मंडी में गेहूं की बम्पर आवक हो रही है, जिसमें किसानों के साथ व्यापारी अवैध रूप से मंडी अधिनियम के खिलाफ राशि वसूल रहे हैं, जो कि गलत है। बड़ा कांटा करने पर भी किसानों के गेहूं तुलावटी और हम्माली काटी जा रही है। उक्त समस्या को लेकर युवक कांग्रेस रतलाम ग्रामीण अध्यक्ष मानवेंद्र सिंह लुनेरा ने किसानों के साथ मंडी सचिव को घेरा और खरी खोटी सुनाते हुए नीलामी रुकवा दी। आक्रोशित किसान मंडी सचिव को लेकर मंडी प्रांगण में पहुंचे और किसानों के सामने मंडी सचिव से समस्याओं का निराकरण करवाया। किसानों ने मंडी सचिव को कहा कि आप आरओ का पानी पीते हो और किसानों को बदबूदार व गंदा पानी पिलाते हो। किसान नेता देवेंद्र सिंह सिजौता ने आरोप लगाया कि कई बार आपको अवगत करवाया लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि व्यापारी आपको कमीशन देता है, इसलिए आपका उनके प्रति प्रेम और किसानों के साथ भेदभाव रहता है। मंडी सचिव को कहा कि मंडी प्रांगण में नियमों की सूची लगाई जाए और सोमवार तक समस्त समस्याओं का निराकरण किया जाए, अन्यथा उग्र आंदोलन किया जाएगा। आप इनको बोलो कि मतलब चले वहाँ पे नीलामी।
या तो व्यापारी है या उनके सामने बात होगी। ठीक है सर, बड़ा विरोध होगा फिर अगर आज आप बुलाते नहीं होंगे। मंडी मंडी रोक देंगे जाके सबको। बारिश गिर गई, किसान परेशान, फिर वजन काट रहे हैं। 1000 रुपए का एक ट्राली पे पैसा लग रहा है। अरे वो चलेंगे, नीलाम बंद कर तो आएंगे, बुलाएंगे, आएंगे वहाँ पे। आठ सूत्रीय मांगों के समर्थन में महिला एवं बाल विकास विभाग की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका एकता यूनियन के बैनर तले सामूहिक अवकाश पर हैं। 15 मार्च से अवकाश पर रहकर विरोध प्रदर्शन कर रही महिला कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने गुलाब चक्कर में नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। यूनियन जिला अध्यक्ष कृष्णा सोनगिरा ने बताया, हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका एकता यूनियन सीटू की जिला अध्यक्ष कृष्णा सोनगिरा, हम 15 तारीख से ही अनिश्चितकालीन अवकाश पर हैं और हमारी निम्न मांगे 8 सूत्री मांगों को लेकर हम लोग अवकाश पर हैं। हम ऐसे हमारे CDPO पर्यवेक्षक भी हड़ताल पर हैं, हम उन्हीं का समर्थन कर रहे हैं और हमारी भी मुख्य मांगे हैं 8 सूत्री जो मांगे हैं उनको लेकर कि हमको एक तो नियमित किया जाए और हमारा जो मानदेय बहुत कम है वो कम से कम हमारा 26,000 मानदेय किया जाए और जो 2018 में मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री ने हमको वहाँ पर बुलाकर कहा 15,000 मतलब 7,000 जो हमारा पेमेंट किया था उसमें से 1500 रुपये हमारा मानदेय काटा गया, तो मानदेय हमको एरियल सहित दिया जाए और ग्रेजुएटी फंड के लिए हमने जो 2022 जनवरी 2022 में हमने कोर्ट से आर्डर लिया है वो अभी तक मान्य नहीं किया है, तो वो मान्य किए करें और जो सुपरवाइज़र के पद निकलते हैं हम चाहते हैं कि 100% वो सुपरवाइज़र के पद कार्यकर्ता द्वारा भरे जाएं, ना कि सीधी भर्ती से भरे जाएं। ये और रिटायरमेंट की जो राशि है वो 5 लाख अभी तक सरकार रिटायरमेंट पर कार्यकर्ता और सहायिकाओं को कुछ भी नहीं दे जाते, तो हम चाहते हैं कि 5 लाख रुपये कम से कम रिटायरमेंट की कार्यकर्ताओं को 5 लाख की राशि दी जाए और सहायिकाओं को कम से कम 2 लाख रुपये दिए जाए उनकी रिटायरमेंट निम्न मांगों को लेकर। हम कॉलेज रोड पर मोबाइल की दुकान से 15 और 16 मार्च की रात 2 से 2:30 बजे के बीच एक युवक 6 मोबाइल फोन, नकदी और अन्य सामान चुरा ले गया। पीड़ित ने दुकान में लगे CCTV कैमरे चेक किए तो एक आरोपी मुंह पर कपड़ा बांधे दुकान के अंदर चोरी करता हुआ दिखाई दे रहा था। सूरजपोल चारभुजा गली निवासी राकेश व्यास मंगलवार की रात करीबन 10 बजे दुकान बंद करके घर चला गया था। सुबह दुकान खोलने के लिए आया तो दुकान का शटर उचका हुआ दिखा तथा ताला लगा हुआ था। दोस्त अनिल शर्मा को बुलाया और फिर अंदर जाकर देखा तो चोरी की आशंका हुई। दुकान में लगे CCTV कैमरे चलाकर देखे तो अंदर वाले CCTV कैमरे में एक दुबला पतला व्यक्ति मुंह पर मास्क लगाकर दुकान में से मोबाइल व अन्य सामान तथा मेरे गले में रखे रुपए निकालते हुए दिखा। स्टाफ को चेक किया तो 6 एंड्रॉइड फोन, पावर बैंक, 2 स्मार्ट वॉच और 16,000 रुपए नकदी दुकान से चोरी हो चुके थे। बदमाश दुकान में 16 मिनट तक रुका और चोरी कर ले जा रहा सामान दुकान के अंदर से ही थैली लेकर उसमें भरकर ले गया। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर जांच में लिया है। खबर है कि माणक चौक थाना पुलिस ने वारदात को अंजाम देने वाले चोर को पकड़ भी लिया है। नारपुरे के पास राकेश व्यासी की मोबाइल शॉप थी, उसमें बीती रात को एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा 6 मोबाइल चोरी कर लिए थे, जिसकी पुलिस ने काफ़ी मेहनत करके 24 घंटे के भीतर पत्थरशी कर ली और सारे चोरी के 6 मोबाइल को जब्त कर लिया गया। सर कौन व्यक्ति है, कहाँ का है ये? एक यही रहता है सरना बस्ती के पास, महेश प्रजापति है ये, रहने वाला तो शेडोल का है, पिछले 6 महीने से रतलाम रह रहा है ये।
भी प्राइमरी तो उससे इसी चोरिया ने पूछताछ की है, अभी पीआर लेकर और भी इस तरह की उससे पूछताछ करेंगे। सर कितनी चोरी कबूल करी है हमने? अभी तो एक ही कर रहा है, और पूछताछ करना बाकी है। चोरी की जानकारी देते हुए दुकान संचालक राकेश व्यास ने बताया। क्या गया है? मेरा नाम राकेश व्यास है, टेक्नो मोबाइल शॉप कॉलेज रोड पर स्थित है। यहाँ पे जब मैं घर से तैयार हुआ तो मेरे पास यहाँ से फ़ोन आया कि भाई आपके स्वेटर उचका गया है। स्वेटर उचका के अंदर घुसा तो फिर एकदम आए, फिर हमने सीधा आके पुलिस को इन्फॉर्म किया, माना चौक थाने लगता अपने एरिया में। तो उन्होंने फिर जो है दो तीन पुलिस वाले आए थे, उनके सामने हम दुकान के अंदर घुसे तो अकेले नहीं घुसा कि कल से कुछ हो तो बोले आपने हमको बताया नहीं, तो उनको साथ में अंदर घुसे। उन्होंने देखा तो फिर जो पूरा यहाँ मोबाइल देखे अपन ने, मोबाइल अपने जो सारे मोबाइल तो थे 15 मोबाइल से कुल, 15 में से 9 मोबाइल छोड़ गए, 6 मोबाइल ले गए साथ में। कैमरे में देखा हमने तो कैमरे तो बाहर का कैमरा तो था नहीं, अंदर का कैमरे में से देखे हमने। कितना कुछ माल गया था, कितने का रुपए गए हैं? मतलब करीब 10,000 के लिए गड्ढे बना कर रखी थी, मेरे को देनी थी दूसरे दिन, तो घर नहीं ले जाए, जंगल घर ले आते अपन, तो उस दिन नहीं ले जा पाया हमने। और करीब 5-6 हज़ार लगभग वो गिने में नहीं थे, वो खुले पड़े थे अपने पास में, वो भी पूरा गल्ला पूरा साफ कर गया, वो मतलब खाली 10 का नोट छोड़ गया बस वो मोबाइल वगैरह। और करीब 15 मोबाइल थे, 15 में 6 मोबाइल बैटरी पैक मोबाइल एंड्रॉइड मोबाइल वो ले गया। क्या कीमत है एक मोबाइल की? ये लगभग अनुमानित 6 मोबाइल की कीमत करीब 52-55 हज़ार रुपये लगभग थी, एग्जैक्टली तो अपन नहीं देख पाए, देखना पड़ेगा वो, बाकी लगभग 52-55 तो थे ही थे हर हाल में अपने। राष्ट्रीय पक्षी मोर की दुर्दशा जावरा में शनिवार को देखने को मिली है। यहां पर सिजौता मुक्ति धाम के पीछे खाली जमीन व खेतों के पास एक पेड़ पर राष्ट्रीय पक्षी मोर का शिकार किया गया। हालांकि शिकारी मोर को ले जाने में असफल हुए, पेड़ पर ही मोर का शव है और वह लंगर में फंसा हुआ है। बताया जा रहा है कि रात में यह शिकार किया गया होगा, लेकिन शिकारी मोर को ले जाने में असफल रहा। मामले की सूचना मिलने पर वन अधिकारी जाँच की बात कह रहे हैं। ग्राम से चौता के मुक्ति धाम के पीछे खेतों में ही मोर घूमते दिखाई देते हैं। अभी करीब 50 से अधिक मोर हैं जो यहां पेड़ों व खेतों में रहते हैं। बीती रात करीब 25 फीट ऊंचे पेड़ पर अज्ञात लोगों ने मोर का शिकार करने की कोशिश की। इसके लिए पत्थरों के लंगर भी डाले गए, जिसमें मोर फंस गया और घायल होकर पेड़ के ऊंचे हिस्से में फंस गया। लंगर भी पेड़ की टहनियों में फंसने से मोर पेड़ से नीचे नहीं आ पाया। मोर का खून और उसके पंख जमीन पर बिखरे थे, शिकारी खाली हाथ ही लौट गए। शनिवार को दोपहर तक मृत मोर पेड़ पर ही लटका हुआ था। सूचना मिलने पर वन विभाग के अधिकारियों ने कार्रवाई की बात कही है। राष्ट्रीय पक्षी होने के बावजूद भी मोर के लिए वन विभाग के पास कोई योजना नहीं है। जावरा क्षेत्र के अनेक गांव व क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर मोर पाए जाते हैं, लेकिन उनकी कुल संख्या और संरक्षित क्षेत्र जावरा में नहीं है। ऐसे में मोर का शिकार हो जाता है और वन विभाग को इसकी जानकारी तक नहीं होती। पर अच्छा पकता फिर साइन लोगों का ये मानना है, कभी तो शिकार करा उसका? नहीं नहीं नहीं, नहीं। आप देख रहे हैं अंबर टाइम। अरे अंकल वेलकम, आइए ना। हाँ बेटा। आइए भाई साहब, कैसे हैं? बस ठीक। बैठिए। थोड़ा परेशान हूँ। अरे क्या परेशानी है? पिछले 25 दिनों से लोन के लिए घूम रहा हूँ, 25-30 हज़ार रुपए मेरे खर्च हो गए, कभी लीगल इशू, कभी सिविल रिजेक्ट, कभी वैल्यूएशन रिजेक्ट। 70 हज़ार की सैलरी होने के बाद भी मुझे लोन नहीं मिला। चिंता ना करें भाई साहब, आपने कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज का नाम सुना है? हमारा तो बिना किसी परेशानी के परसों ही लोन सैंक्शन कराया है इन्होंने। चाहे होम लोन हो, मॉर्गेज लोन हो, कार लोन हो या ओडी लोन हो, किसी भी प्रकार का लोन हो, ऑल ओवर एमपी बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज आपको आसानी से लोन प्रोवाइड करवाती है। सच में? जी हाँ, ये 108 बैंक्स और NBFC के पार्टनर्स हैं। अरे दीदी हमें तो 2 दिन में ही लोन मिल गया था। अरे हाँ, 48 घंटे में लोन प्रोवाइड कराने की गारंटी भी इन्हीं। अरे वाह, वैसे क्या नाम बताया आपने? कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज। चाहिए 5 लाख या 500 करोड़ का लोन, मिलेगा हर तरह का कन्वीनियंस एट कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज। अरे मैडम आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरा लोन तो 48 घंटे के पहले ही सैंक्शन हो गया। क्या है, क्या बात है, बधाई हो भाई साहब। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें KFS कॉर्पोरेट ऑफिस 21 कोठारी मार्केट, अरविंद राज स्टेशनरी शॉप के पास 2 बत्ती रतलाम। फोन नंबर 07412356268,
6263791851।